ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस बस अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं अगले रॉक एपिसोड के लिए, और आप लोग जानते हैं नेक्स्ट रॉक एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसे स्पॉयलर्स हैं, कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो कि आपको अगली रॉक से पहले तो जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। और जो पहली चीज आप लोग कह सकते हैं जो मैं पहला स्पॉयलर में आपको बताने वाला इस वीडियो में, वो जुड़ा है हमारे रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट मैच से। और नेक्स्ट रॉक एपिसोड में हमें यह अनाउंस होता हुआ दिखाई देने वाला है कि स्मैकडाउन लाइव की जो वुमेन्स चैंपियनशिप है वो भी ऑन द लाइन होगी नेक्स्ट रॉक एपिसोड में। ये बात अनाउंस हो जाएगी और उसके बाद रेसलमेनिया 35 में जाकर जो हमें मेन इवेंट में मैच देखने को मिलेगा वो रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों ही विमेंस चैंपियनशिप के लिए होगा। और ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि WWE ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक फोटो पोस्ट करी थी जहां उन्होंने ऐसा स्पॉयलर हमें दिया था कि क्या ये दोनों टाइटल एक साथ होंगे। और उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी थी शार्लेट फ्लेयर की जहां पर वो हमें रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों ही टाइटल्स के साथ देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हमें रेसलमेनिया 35 में दोनों ही टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलने वाले हैं, और शायद यही बात हमें नेक्स्ट शो के एपिसोड में अनाउंस होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगली थिंग की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक और स्पॉइलर है, और ये जुड़ा है ब्रॉक लेसनर एंड सेथ रॉलिंस के मैच से। तो नेक्स्ट शो के एपिसोड में हमें एक बार फिर से डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है ब्रॉक लेसनर का, और हमें सेथ रॉलिंस एक बार फिर से अंडरडॉग के रूप में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो प्लान्स हैं, ओरिजिनल जो प्लान्स हैं वो ये कि सेथ रॉलिंस ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 35 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में हरा देंगे। तो ऐसे में WWE का आइडिया यहां पर ये है कि ब्रॉक लेसनर को एक तरह से ओवर दिखाना है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाना है, पावरफुल दिखाना है, और सेथ रॉलिंस को दिखाना है अंडरडॉग, और मैच से पहले भी सेथ रॉलिंस को वीक दिखाया जाए। और जो मैच में एंटर भी करेंगे तो ऑड्स जो है वो सारे खिलाफ हो सेथ रॉलिंस के, लेकिन जब मैच खत्म होगा तो हमें सेथ रॉलिंस ही चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस आइडिया के साथ WWE नेक्स्ट शो के एपिसोड में एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को दिखा सकते हैं स्ट्रॉन्ग, और नेक्स्ट शो के एपिसोड में हमें सेथ रॉलिंस बहुत ही तगड़ी वाली बीटिंग लेते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगली चीज की बात करें जो कि एक और स्पॉइलर है, और ये जुड़ा है रॉ के टैग टीम चैंपियनशिप के मैच से जो कि हमें देखने को मिलेगा एलिस्टर ब्लैक एंड रिकोशे वर्सेस द रिवाइवल के बीच। तो इस मैच का एंड हमें बहुत ही स्क्रू टाइप देखने को मिल सकता है, जहां इस मैच का आप लोग कह सकते हो कोई क्लीन फिनिश हमें देखने को नहीं मिलेगा, और इसके चलते हो सकता है या तो WWE इसी सेम मैच को रेसलमेनिया 35 के कार्ड पर डाल दे, या फिर इसमें हमें और टीम्स ऐड होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और जैसे कि मैंने आपको आइडिया भी बताया कि शायद हमें कोई लैडर मैच भी देखने को मिल सकता है, और क्या पता वो इसी चैंपियनशिप के लिए हो जाए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस मैच के फिनिश में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एक बार फिर से रेसलमेनिया 35 के मैच में जो कि चैंपियनशिप के लिए होगा वहां पर हमें रिवाइवल एंड एलिस्टर ब्लैक और रिकोशे की टीम देखने को मिलेगी। और इस मैच को करवाने का मतलब यही है कि रेसलमेनिया 35 में रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कोई मैच को बुक करा जा सके। अगली थिंग की बात करें जो अब जुड़ी है यहाँ पर रोमन रेंस एंड ड्रू मैकेंटायर से। अब नेक्स्ट शो के एपिसोड में क्या होता है उस समय काफी अच्छा खासा हिंट मिल जाएगा कि रेसलमेनिया 35 में कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है। इस मैच को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि क्या यहाँ पर रोमन रेंस जीतने वाले हैं या फिर ड्रू मैकेंटायर। अब अगर रोमन रेंस को अगर फिर से अंडरडॉग दिखाया जाता तो इसमें हम क्या ये मान लें कि रेसलमेनिया 35 में रोमन रेंस जीत जाएंगे क्योंकि उन्हें अभी वीक दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं स्टोरी थोड़ी सी अलग है। हो सकता है रोमन रेंस को यहाँ पर फिर से वीक दिखाया जाए क्योंकि इस मैच में WWE ड्रू मैकेंटायर को, इस फ्यूड में WWE ड्रू मैकेंटायर को काफी अच्छा बुक कर रही है। तो एक बार फिर से हमें ऐसे देखने को मिल सकता है कि ड्रू मैकेंटायर जो है यहाँ पर फिर से पिटाई कर दे रोमन रेंस की। अब शायद या फिर कुछ WWE ऐसा भी करे कि दोनों सुपरस्टार का अपर हैंड यहाँ पर हो, हमें यहाँ पर सुपरस्टार्स आते हुए दिखाई दे सकते, सिक्योरिटी आते हुए दिखाई दे सकती जो कि दोनों सुपरस्टार्स को अलग करें, क्योंकि ये ऐसा मैच होने वाला रेसलमेनिया 35 में जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और मजे की बात ये इस मैच में कोई भी टाइटल ऑन द लाइन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ शॉकिंग थिंग्स बताऊं रॉ से पहले, तो पहली चीज तो यहाँ पर ये कि क्या अंडरटेकर आएंगे नेक्स्ट शो के एपिसोड में। अब इस बात को हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगर WWE कुछ प्लान कर रही है तो शायद नेक्स्ट शो का एपिसोड ऐसी जगह हो सकती है जहां पर हमें अंडरटेकर देखने को मिल जाए, और क्या पता वहां पर से उनका कोई मैच सेट हो जाए, या फिर WWE कुछ प्लान करे, विंस मैकमैन आकर कुछ अनाउंस करें, या फिर अंडरटेकर आकर कुछ अनाउंस करें। खैर ये बात अभी कंफर्म कह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और यही सेम चीज यहां पर जॉन सीना के साथ भी कि क्या वो नेक्स्ट शो के एपिसोड में आएंगे, क्या उनका मैच कंफर्म होगा, क्योंकि मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि WWE ने ऑलरेडी सेट कर लिया है जॉन सीना के लिए रेसलमेनिया 35 में मैच, लेकिन वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहती है। और जो एक और सवाल है हमारे दिमाग में वो ये कि डीन एम्ब्रोस की बुकिंग यहाँ पर क्या होती है, क्या वो इन्वॉल्व होंगे रोमन रेंस के साथ, क्या वो इन्वॉल्व होंगे सेथ रॉलिंस के साथ, या फिर उन्हें अलग से कोई स्टोरी लाइन मिलेगी। वैसे अब तक तो डीन एम्ब्रोस को कोई स्टोरी लाइन नहीं मिली, तो ऐसा लगता भी नहीं कि नेक्स्ट शो के एपिसोड में उनके लिए कुछ ज्यादा स्पेशल है, बट हम होप करते हैं कि डीन एम्ब्रोस के लिए भी कुछ ना कुछ मसालेदार हो अगली रॉ के एपिसोड में। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, काफी सारी अपडेट्स मिलेंगे नेक्स्ट शो से पहले। तो इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए आप लोग लाइक, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि नेक्स्ट शो के एपिसोड के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की लेटेस्ट अपडेट्स डेली जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।